आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल क्रीमी डिजर्ट, जिसके लिए हमें चाहिए आधा पैकेट ब्रेड का, जिसे हमने चारों तरफ से इसके कोर निकाल दिए हैं, और एक कप 5-6 चीरियां अनानास के हमने मिक्सी में घुमा के इसको बारीक कर दिया है, एक कप पिसा हुआ अनानास, एक कप भर के शक्कर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून गार्निशिंग के लिए अनानास हमने बारीक कतर दिया है, और आधा टीस्पून एसेंस और आधा टीस्पून पीला कलर, और आधा लीटर दूध लिया है, इसको हम कस्टर्ड पाउडर डाल के शक्कर डाल के पकाएंगे। हमें इसके ऊपर डालने के लिए आखिर में 100 ग्राम क्रीम और 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर लगेंगे। बाद में हम इस क्रीम डालेंगे फेंट कर। दूध को हमने बॉईल किया है और उसमें आधा कप शक्कर डाल दिया है, फिर उसको पकने दे, फिर उसके बाद हम उसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में मिक्स कर लीजिए, फिर इसको ये बॉईल दूध में डालना है और फिर 3-4 मिनट तक पकने देना है, होने तक पकने देना है कि जब आपका कस्टर्ड आपको लगे कि गाढ़ा हो गया है तो फिर गैस बुझा लीजिए। ये 1 कप जो पाइनएप्पल हमने पीस के रखा था उसे हम डाल देंगे और फिर उसमें ये शक्कर जो आधा कप रखा था वो डालेंगे और फिर उसमें येलो कलर डाल देंगे और इसे फिर पकने देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसको हमने अभी 5-6 मिनट तक पका रहे हैं, 5-6 मिनट तक पकने दें, उसके बाद जो हमने आधा टीस्पून एसेंस रखा था वो डालें, अगर नहीं भी रहा तो चलता। उसके बाद हमने इसको और 2 मिनट तक पकाना है, इसे थोड़ा ऐसा गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हम इसे सेट करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले नीचे कस्टर्ड डालना है। अच्छी तरह से फैला दीजिए आप, फिर इस तरह से हम एक एक करके ब्रेड को इस पे रखते जाएंगे। अभी हमने एक लेयर सेट कर लिए हैं, फिर उसके बाद एक और फिर कस्टर्ड उस पे और डालेंगे सेट करने के, इस पे एक लेयर और आएंगे कि कस्टर्ड डालने बाद फर्स्ट लेयर पे ही हम पाइनएप्पल सिरप डालेंगे। इसे अच्छी तरह फैला देंगे। ये एक लेयर पे हमने पाइनएप्पल सिरप लगा दिए, इसके बाद हम और एक लेयर ब्रेड की रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे इसे इस तरह से। ये सेकंड लेयर हमारी तैयार हो गई, इस पे हम एक बार और कस्टर्ड डालेंगे। सेकेंड लेयर पे हमने कस्टर्ड डाल दिया, फिर से और पाइनएप्पल सिरप हम डालकर और फैला देंगे। पाइनएप्पल सिरप लगाए बाद फिर थर्ड लेयर रख दीजिए, फिर आप ऐसे टोटल 3 लेयर बनेंगे। फिर थर्ड लेयर पर हम बचा हुआ कस्टर्ड डाल देंगे पूरा, फिर इसे सेट होने के लिए फ्रिज में 20 मिनट रख देंगे। 10-15 मिनट हमने इसे फ्रीज़र में रखकर फिर निकाला है तो ये इसका कस्टर्ड जम गया। उस पर हमने फिर क्रीम में 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालकर इसको फेंट दिया है, फिर उसके बाद उसको इस तरह इस पर डाल देंगे। हमने 10 मिनट तक फ्रीज़र में रखा था और फिर इसके बाद हमने इसको पाइनएप्पल से गार्निशिंग की। ये हमारा डिज़र्ट तैयार है।